हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ आपसे जनधन खाते के अकाउंट के बारे में। हाल फिलहाल में क्या हुआ, किसी के जनधन का अकाउंट था, उनको नहीं पता था। जैसे कि क्या होता है कि हम मिनी ब्रांच जो होती है किसी भी बैंक की, हम वहां जाके अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन हमारे को प्रॉपर तरीके से वो नहीं बताते, ना हमें पता चलता है कि वो अकाउंट किस टाइप का है। तो जनधन खाते का अकाउंट क्या होता है, तो उनको नहीं पता था, वो क्या करते हैं जस्ट लाइक ए सेविंग अकाउंट की तरह यूज करते हैं, अमाउंट ले लेते हैं और इसमें चेक डाल देते हैं, जो भी एक्स वाई जेड है। तो उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, जो लिमिट हमारी अगर उससे ऊपर हो जाए तो हमारा अकाउंट काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही उनके साथ हुआ कि उनके अकाउंट में थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा हो गया, जिससे कि वो यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे थे, एटीएम विड्रॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, सब चीज मतलब कि आप कैश या चेक में किसी भी टाइप से पैसा नहीं निकाल सकते थे। अमाउंट क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, कोई भी करेगा तो आपके अकाउंट में जाएगा, लेकिन आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते किसी भी टाइप से, चाहे बैंक से जाए या कहीं। हाँ, इस चीज में एक देगा, जहां से आपने खुलवाया था तो वहां से फिंगर प्रिंट लगा के निकाल सका पैसा, लेकिन वो भी 10,000 रुपये तक की लिमिट में। तो इस चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर इस केस में आपको इस तरह से इश्यूज आता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपना लिमिट चेक करना है बैंक में जाके कि कितनी लिमिट है। वैसे तो 1 लाख रुपए लिमिट है, 1 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट उसमें नहीं होना चाहिए, और महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन या विड्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए, और वो उससे ज्यादा निकलेगा भी नहीं 1 महीने में। तो क्या करना है, अगर आपको जनधन खाता ही खुलवाना है, खुलवाया है आपने, आपको पता है लेकिन ऊपर हो गया, तो आपको जाके बैंक में लिमिट बढ़वानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि सर मेरा ये जनधन का अकाउंट है, इसमें मेरी लिमिट इतनी हो गई है, तो कृपया करके मेरी लिमिट थोड़ी सी ज्यादा कर दीजिए, जिससे कि मैं अपने खाते को चालू कर सकूं और ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट कर सकूं। अगर वो इस चीज पे कर देते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप ध्यान रखें कि वो जो लिमिट है वो पूछ लीजिए कितनी लिमिट है, उससे ज्यादा आप उसके ट्रांजेक्शन ना करें। लेकिन अगर आपकी ट्रांजेक्शन उससे ज्यादा है और आप चाहते हैं कि ये मेरी गलती से उन्होंने खोल दिया, मैंने तो सेविंग अकाउंट बोला था, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले एप्लीकेशन में ये लिखना पड़ेगा कि सर मैं इस जो भी बैंक है, एक्स वाई जेड बैंक का नाम का के बोलना चाहिए। उसके बाद लिखना है कि मेरा अकाउंट इस बैंक में है और मेरा नाम ये है, और अपने फादर का नाम भी लिखेंगे। ये मेरा अकाउंट जनधन खाता है, पहली चीज ये लिखेंगे, जनधन खाता है, कृपया करके इस खाते को सेविंग अकाउंट में बदल दीजिए, और मैं इस खाते में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया करके इसको भी ठीक कर दीजिए। तो अगर वो एप्लीकेशन देंगे, आप एप्लीकेशन देने के बाद अपना साइन वाइन करके अपनी पासबुक की फोटोकॉपी लगाना चाहे लगा सकते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड भी लगा दीजिए, अगर अपडेट नहीं होगा तो वो भी कर देंगे। उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ठीक हो जाता है, लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपका अकाउंट किस टाइप का है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार रियर केस में बैंक में काफी इश्यूज हो जाता है, वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। किस टाइप का बैंक है, जैसे सब लोग जानते हैं आजकल SBI में बहुत भीड़ होती है, काम कराने में काफी टाइम लग जाता है, जितने भी गवर्नमेंट बैंक होते हैं काफी टाइम्स लगता है उनमें। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका किस टाइप का अकाउंट है और कितनी लिमिट है और किस टाइप से आप उसको यूज कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही आज का वीडियो में बताना था आपको कि अगर आपके साथ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, यूपीआई वगैरह काम नहीं कर रही है या कोई इश्यूज हो गया है, तो आप जाके सबसे पहले बैंक में जाके चेक करें, कुछ भी हो सकता है आपके अकाउंट के साथ, या तो आपका जैसे जनधन का बताया, जनधन का खाता हो सकता है तो जनधन के खाते में आप ठीक करा सकते हैं, या कोई और इशू भी हो सकता है, जिस इशू में जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो फिलहाल बनाई है, उस वीडियो में किसी ने उस पर कंप्लेंट करके वो अमाउंट, एक अमाउंट था कहीं से आया था रिसीव, तो वो सीज करा दिया यूपीआई, उस कंडीशन में भी कुछ यूज नहीं हो रहा था। तो आप जैसे ही ना हो कोई दिक्कत है बैंक में, तो तुरंत बैंक जाके पता करें कि क्या इश्यूज है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।